बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आज का हमारा मौजू ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। व्हाट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग? ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हम ये करते हैं कि जो हमारे पास ऑलरेडी किसी भी लैंग्वेज में दिए गए ऑपरेटर्स होते हैं, हम उनके डिफॉल्ट बिहेवियर को मॉडिफाई किए बगैर हम उनको अपने क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं अपनी मर्जी से उसमें मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, और जो बाय डिफॉल्ट जिस मीनिंग के लिए वो ऑपरेटर इस्तेमाल होता है, ना तो हम उसके ऑपरेंड्स को चेंज कर सकते हैं और ना ही उसकी बाय डिफॉल्ट जो मीनिंग है उसको तब्दील करते हैं, बल्कि सिर्फ उसको नई टाइप के डेटा पर अप्लाई करने के लिए हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो स्ट्रीम इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, इसको हम ओवरलोड कर सकते हैं अपनी मर्जी से, और अपनी मर्जी का जो डाटा टाइप है वो इस पर लगा सकते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे जो ऑपरेटर्स होते हैं उनकी जो बिल्ट इन टाइप्स होती हैं उनमें अल्टरेशन करने की हमें इजाज़त नहीं देता, और इसमें से ऑपरेटर ओवरलोडिंग में ये याद रखिए कि आपने इसको अगर ओवरलोड करना है तो उसके ऑपरेंड्स में से एक ऑपरेंड जो है मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, वो ऑब्जेक्ट किसी क्लास का होना चाहिए। ऑपरेटर ओवरलोडिंग हमें नए सिंबल्स भी जो है उनको डिफाइन करने की इजाज़त नहीं देती। नए सिंबल्स हम क्यों डिफाइन नहीं कर सकते? वेरी सिंपल, कि इसका किसी भी लैंग्वेज का जो कंपाइलर लिखा गया है, आप उसमें कंपाइलर में तो कोई इजाफा नहीं कर सकते। हाँ, उसमें जो ऑलरेडी उसकी एक मीनिंग दी हुई है उसमें अपनी डेटा टाइप्स जो हैं उसके लिए उसको ओवरलोड कर सकते हैं। सो वी ओवरलोड दोज प्रोवाइडेड फॉर इन द लैंग्वेज टू हैव मीनिंग फॉर अ न्यू डेटा टाइप, एंड देर आर वेरी स्पेसिफिक रूल्स। वेरी सिंपल, कि हम उसमें नए ऑपरेटर्स तो नहीं इस जो है वो अपनी मर्जी से इसमें डिफाइन करते, सिर्फ ऑलरेडी जो हमारे पास अवेलेबल सेट ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं उस पर नई टाइप ऑफ डाटा जो है वो उसको मैनिपुलेट करने के लिए हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग का सहारा लेते हैं, और इसके रूल्स जो हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट और स्पेसिफिक हैं। कैसे? ये जैसे आप फंक्शन ओवरलोडिंग किया करते थे उससे सिमिलर है, लेकिन इसमें ये होता है कि जहां आपने फंक्शन को ओवरलोड किया था, एक ही फंक्शन का नाम तो सेम रखा था, कभी उसकी डाटा टाइप बदल दी, रिटर्न टाइप बदल दी, कभी उसमें पैरामीटर बदल दिए, यहां पर क्या होगा कि आपने फंक्शन नेम की जगह कीवर्ड इस्तेमाल करना है, ऑपरेटर ओ पी ई आर ए टी ओ आर, ये वाला ऑपरेटर जो है आपने ये वाला जो लफ्ज है इसको बतौर कीवर्ड इस्तेमाल करके जो आप ऑपरेटर को ओवरलोड करना चाहते हो उसका सिंबल इस्तेमाल कीजिए, और ये याद रखिए कि जो आपकी इस ऑपरेटर की रिटर्न वैल्यू होगी वो कौन सी होगी। ये आपके ऑपरेशन में जो ऑपरेशन आप परफॉर्म करने जा रहे हैं उसकी जो एंड पर रेजिडुअल वैल्यू बचेगी वही हमारी रिटर्न वैल्यू होगी। मिसाल के तौर पे आप जमा करने जा रहे हैं 3 और 5 को, तो 3 और 5 को तो जमा करेंगे तो जो जवाब आएगा 8 होगी हमारी रिटर्न टाइप होगी। अब इसमें से सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो आर वैल्यू हमारी रिटर्न टाइप होगी या एल वैल्यू होगी, और क्या इसमें ऑपरेशंस की जो चेनिंग है वो हमें अलाउड है कि नहीं है। तो हमारे पास ऑपरेटर जो होते हैं, डेफिनेटली आपको पता है कुछ बाइनरी होते हैं, कुछ यूनरी होते हैं, तो जिस तरह का ऑपरेटर होगा उसी तरह के हमें ऑपरेंड्स भी जो है उसके लिए इस्तेमाल करने पड़ेंगे। हम क्या चेंज नहीं कर सकते ऑपरेटर ओवरलोडिंग में? सबसे पहली चीज कि जो एक ऑपरेटर के नंबर ऑफ ऑपरेंड्स होते हैं वो हम चेंज नहीं कर सकते। अगर एक बाइनरी ऑपरेटर है तो हमें पता है कि वो दो ऑपरेंड्स पे ऑपरेट करता है, तो आप वो दो की तादाद को कम ज्यादा नहीं कर सकते ओवरलोडिंग में। इसके अलावा ऑपरेटर प्रेसिडेंस में वो उसकी जो तरजीह है या प्रेसिडेंस में उसका जितना नंबर है और जो उसकी एसोसिएटिविटी है, इसको आप ओवरलोडिंग में बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। और फिर ऑपरेटर के लिए
आप अगर डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स यूज कर रहे हैं तो उनको भी चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा हमें क्या चेंज नहीं करना चाहिए, ये तो वो चीजें थी जिनकी हमें इजाजत नहीं होती। इसके अलावा कुछ कन्वेंशंस हैं कि हमें ऑपरेटर्स में क्या तब्दीली ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हमें नहीं करनी चाहिए, क्या कन्वेंशंस हैं। नंबर वन ये है, ऑपरेटर का जो मीनिंग बनता है वो कभी भी चेंज ना करें आप। यानी अगर आप प्लस ऑपरेटर का मतलब होता है एडिशन, तो आप इसको सब्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल ना करें, इसको सब्ट्रैक्टिंग के लिए ओवरलोड ना करें, इसकी जो मीनिंग है उसको चेंज करने की कोशिश ना करें। इसके अलावा ऑपरेटर की नेचर है, मिसाल के तौर पे अगर इसमें 3+2 इज डबल इक्वल टू 4+3, यानी इसमें जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो आपके पास होल्ड करता है कोई ऑपरेटर, तो उसकी नेचर को कभी भी चेंज ना करें आप। फिर जो डेटा टाइप्स हैं और रेजिडल वैल्यू जो हमें उस ऑपरेटर से मिलेगी रिटर्न वैल्यू, उसको भी चेंज करने की कोशिश ना करें। अगर आपका ऑपरेटर जो है वो आर वैल्यूड रिजल्ट देता है या एल वैल्यू रिजल्ट देता है, डिपेंड करता है आपने, अगर वो आर वैल्यूड रिजल्ट देता है तो आप भी उससे आर वैल्यूड रिजल्ट ही ओवरलोडिंग के वक्त लें, और अगर वो एल वैल्यूड रिजल्ट देता है तो फिर आप भी उससे एल वैल्यूड रिजल्ट ही ओवरलोडिंग के वक्त दें। फिर इसके अलावा अगर आप ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हैं कोई भी, तो उसकी डेफिनेशंस में कंसिस्टेंसी जरूर होना चाहिए। जैसे आपने प्लस का जो ऑपरेटर है इसको अगर ओवरलोड किया है तो इसका जो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है प्लस इक्वल टू उसको भी ओवरलोड करें। अब इसके सिंटैक्स को देख लेते हैं। ये सिंटैक्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, गौर करें जरा इसमें। इसमें सबसे पहले क्लास अंडरस्कोर नेम, ये रिटर्न टाइप है आपके ऑपरेटर की। इसके बाद आप ऑपरेटर का कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑपरेटर ये आपके फंक्शन का नाम, यानी आप ऑपरेटर का कीवर्ड इस्तेमाल करें यहाँ पे। उसके बाद जो है आपके पैरेंथेसिस शुरू हो गए दो, स्टार्टिंग और एंडिंग, और सेमी कॉलन है एंड पे। इसके दरमियान क्या है, इसके दरमियान जो फॉर्मल आर्गुमेंट्स आपका ऑपरेटर लेता है वो दोनों आप कॉमे के साथ सेपरेट कर दें। अगर वो एक ही आर्गुमेंट लेता है तो एक ही रखें, अगर वो दो लेता है तो दो आर्गुमेंट रखें। और ये जो कॉन्स्ट का कीवर्ड है ये किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये अभी मैं आपको इलेबोरेट करता हूँ। इससे आप देख रहे हैं कि हमारा ऑपरेटर के आगे माइनस लिखा हुआ है, तो ये वाली जो डिक्लेरेशन है ये हमें जो सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है इसको सेम क्लास के जो टू ऑब्जेक्ट्स हैं उनको जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें एक आर वैल्यू जो है वो रिटर्न करता है ये। यानी हम माइनस का जो ऑपरेटर है उसको ओवरलोड कर रहे हैं इस सिंटैक्स को इस्तेमाल करते हुए। जो इटैलिक में जो चीज़ें रखी गई हैं वो मैंने रिकमेंडेशंस जो आपको दी हैं वो हैं, और हमारा अगर आप इनको फॉलो करोगे तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा प्रोग्राम में वो जो है वो वही मिलेगा जो हमें बिल्ट इन डाटा टाइप्स में मिलता है। जैसे कॉन्स्ट को मैंने इटैलिक क्यों रखा है कि अगर आप अपने आर्गुमेंट्स को कॉन्स्ट रखेंगे तो ये मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, कॉन्स्ट रखने से ये होगा कि आपका रन टाइम पे अगर बाई मिस्टेक भी इसको कोई चेंज करना चाहे तो कॉन्स्टेंट है चूंकि आपका ये ऑपरेंड, इसलिए इनकी वैल्यूज जो है वो चेंज नहीं होती। ये याद रखिए कि आपका कोई भी ऑपरेटर, दुनिया में कोई भी ऑपरेटर हो तो वो अपने ऑपरेंड्स की वैल्यू कभी तब्दील नहीं करता। यानी अगर 5 और 3 को आप जमा कर रहे हैं तो प्लस ऑपरेटर को ये कोई हक नहीं पहुंचता कि वह 5 में कोई तब्दीली करे या 3 में कोई तब्दीली करे। उसका काम सिर्फ इतना है कि दोनों ऑपरेंड्स को आपस में प्लस कर दे बस। तो इसीलिए मैंने इसमें जो पैरामीटर्स हैं इसमें कॉन्स्ट को इटैलिक रखा है कि इसको अगर आप कॉन्स्ट रखेंगे तो उसमें तब्दीली होने के चांसेस निल हो जाएंगे। क्योंकि सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर का प्री डिफाइंड जो बिहेवियर है, इसने टू ऑपरेंड्स में से किसी को भी जो है वो मॉडिफाई नहीं करना, इसलिए जो आर्गुमेंट्स इसमें फॉर्मल आप पास करेंगे उनको कॉन्स्टेंट के तौर पे पास करें या फिर बाय वैल्यू पास करें ताकि उसमें तब्दीली के कोई चांसेस ना रह जाए। आगे बढ़ते हैं। जिस तरह आप किसी फंक्शन के आर्गुमेंट्स को डिफाइन करते हैं, ओवरलोडेड ऑपरेटर जो होता है उसके ऑपरेंड्स भी इसी तरीके से आर्गुमेंट्स के अंदर डिफाइन होते हैं। जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो आपके ओवरलोडेड ऑपरेटर के ऑपरेंड्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। यूनरी ऑपरेटर आपको पता है ये सिंगल ऑपरेंड पे ऑपरेट करता है, तो
इसको जब ओवरलोड करोगे तो इसके आर्गुमेंट्स में आप सिंगल आर्गुमेंट ही जो है वो पास कर सकते हो, जबकि बाइनरी ऑपरेटर्स में जब उनको ओवरलोड किया जाएगा आपको दो आर्गुमेंट पास करना पड़ेंगे। जब भी कोई ऑपरेटर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये फंक्शन कॉल में एक्चुअल आर्गुमेंट्स का हिस्सा बन जाता है वो ऑपरेटर, इसलिए फॉर्मल जो आर्गुमेंट्स होते हैं उनकी डेटा टाइप्स जो होती हैं उनको आपने ये इंश्योर करना है कि वो ऑपरेंट्स के साथ ज़रूर मैच करें जो वहाँ पर एक्सपेक्टेड हैं, या फिर अगर वो मैच नहीं कर रही तो फिर उनकी एक्सप्लिसिट जो है वो कन्वर्जन आप जो है वो मेक श्योर करें। और मेरी रिकमेंडेशन ये है कि यूनरी ऑपरेटर्स जो होते हैं उनको अगर आपने ओवरलोडेड करना है तो हमेशा उनको एज मेंबर फंक्शंस ही ओवरलोड, जिस तरह मेंबर फंक्शंस जो हैं उनको ट्रीट करते हैं तो उसी तरह उनको ओवरलोड कीजिए, क्योंकि पहला आर्गुमेंट जो होता है वो हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट का क्लास का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद ओवरलोडेड ऑपरेटर की जो रिटर्न टाइप होगी वो भी सेम होगी, डेफिनेटली जो ऑपरेंट्स की डेटा टाइप है वही हमारे उसकी रिटर्न टाइप भी ओवरलोडेड ऑपरेटर में होगी। ओवरलोडेड ऑपरेटर जो हमें वैल्यू रिटर्न करेगा वो रेजिडुअल वैल्यू कहलाती है, यानी ऑपरेटर के अंदर जो ऑपरेंट्स थे वो उनमें जो जो वैल्यूज थी उन पर ऑपरेटर जब चल गया उसका जो जवाब आया उसको रेजिडुअल वैल्यू कहते हैं। और ये याद रखा जाए कि हमने जब भी ऑपरेटर को ओवरलोड करना है तो उसमें जो वो ऑपरेटर वैल्यू रिटर्न कर रहा है और उसकी जो टाइप है इस पर बड़ा हमने कंसिस्टेंटली गौर करना है, और बड़ा इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि किसी भी ऑपरेटर ने जो हमें वैल्यू रिटर्न करनी होती है वो इस चीज़ का तयन करती है कि अगर हमने इस ऑपरेटर को लार्जर एक्सप्रेशन में इस्तेमाल किया है तो फिर उसका क्या नतीजा निकलेगा। और हमने अगर इस ओवरलोडेड ऑपरेटर को कहीं और किसी एक्सप्रेशन में इस्तेमाल किया है या फिर किसी और ऑपरेटर के साथ इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की है तो यहाँ भी हमें जो इसकी रिटर्न टाइप होगी उसका खास ख्याल रखना पड़ेगा। और ये याद रखिए कि कभी भी आप ऑपरेटर ओवरलोड करते वक्त वॉइड का लफ्ज इस्तेमाल ना करें, यह रिकमेंड करूंगा, क्योंकि अगर आप वॉइड का लफ्ज इस्तेमाल कर दोगे किसी ऑपरेटर को ओवरलोड करते वक्त तो फिर उसका कोई मकसद नहीं है, उससे आपका जो वो ऑपरेटर है वो वॉइड हो जाएगा, वो एक मीनिंगलेस चीज बन जाएगी वो, इसलिए कभी भी वॉइड का लफ्ज जो है वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में आप इस्तेमाल ना करें। बाइनरी ऑपरेटर्स अगर उनको मेंबर्स के तौर पे आपने ओवरलोड किया है तो उनमें एक सिंगल आर्गुमेंट होगा और जो फर्स्ट उनका ऑपरेंड होगा वो इम्प्लिसिटली दिस पॉइंटर के जरिए उठा लिया जाएगा अगर वो किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट है जिसमें उसको आपने डिफाइन किया है। अगर बाइनरी ऑपरेटर्स को आपने दो ऑपरेंड्स के तौर पे ओवरलोड किया है, वो नॉन मेंबर फंक्शन के तौर पे आपने उनको ओवरलोड किया है, तो इसमें फिर कोई भी इम्प्लिसिट फर्स्ट ऑपरेंड नहीं लिया जाएगा क्योंकि उसके दो ऑपरेंड आपने पूरे कर दिए हैं। और इस सूरत में क्या होगा कि अगर आप उसको नॉन मेंबर के तौर पर डिक्लेयर कर रहे हैं तो फिर आपको उसे फ्रेंड फंक्शन या सॉरी फ्रेंड के तौर पे जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड फंक्शंस ही तो वो फंक्शंस होते हैं जिनको बाहर से कोई क्लास जो है वो मॉडिफाई भी कर सकती है। डियर स्टूडेंट्स, ओवरलोडेड ऑपरेटर जो होते हैं उनको अगर नॉन मेंबर्स के तौर पे C++ में अगर हम ओवरलोड करें तो क्या होगा कि वो क्लास डेफिनेशन का हिस्सा तो नहीं होंगे, लेकिन वो फिर ये होगा कि सिर्फ पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस कर सकेंगे। और अगर हम ये चाहते हैं कि ये हमारे जो नॉन मेंबर ओवरलोडेड ऑपरेटर्स हैं ये उस क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा को भी एक्सेस करें तो फिर हमें इनको बतौर फ्रेंड जो है वो डिक्लेयर करना पड़ेगा। और जब हम किसी नॉन मेंबर फंक्शन को ओवरलोड करते हैं तो इसको इसके जितने भी ऑपरेंड्स हैं उनको एक्सप्लिसिटली हम स्पेसिफाई करते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट्स में। बाइनरी ऑपरेटर्स के लिए फर्स्ट और सेकंड जो है वो किसी क्लास का मेंबर ही होना चाहिए और दूसरा ऑपरेंड जो है वो किसी भी टाइप का हो सकता है।
हम तमाम जो ऑपरेटर्स हमें सी प्लस प्लस में मुयसर हैं, जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, इक्वेलिटी के ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, सबके सब ऑपरेटर्स को हम ओवरलोड कर सकते हैं। इसके अलावा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, डी रेफरेंस ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर और कॉमा ऑपरेटर्स को भी ओवरलोड किया जा सकता है। और जो ऑपरेटर आप ओवरलोड नहीं कर सकते उनमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और डायरेक्ट मेंबर एक्सेस यानी डॉट ऑपरेटर, डायरेक्ट पॉइंटर टू मेंबर एक्सेस ऑपरेटर यानी स्टार ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर जो है इसको आप ओवरलोड नहीं कर सकते। और वो कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जिनको आप क्लास के अंदर ही ओवरलोड करना जो है वो ज़रूरी होता है, उनमें असाइनमेंट ऑपरेटर है, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर है, फंक्शन कॉल ऑपरेटर है, इनडायरेक्ट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर है और इनडायरेक्ट पॉइंटर टू मेंबर एक्सेस ऑपरेटर है। डियर स्टूडेंट्स, ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हम नेक्स्ट टाइम यहीं से अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग से इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।